यूट्यूब चैनल दुर्गेश किचन। आज मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का चीला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम देखते हैं हमें किस चीज़ की सबसे मेन ज़रूरत हमें लगेगी। ये बहुत इजी है और सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। तो हमने ये लिया है एक कटोरी धुली मूंग की दाल। ये बिल्कुल साफ दाल है। अब हमें इसे क्या करना है, एक कटोरी के नाप से मैंने लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक बड़े बर्तन में शिफ्ट करके इसे एक बार पानी से धो लें ताकि जो डस्ट वगैरह हो वो सब निकल जाए, और उसको हम फिर सोक करने के लिए रखेंगे। तो चलिए मैं धो के आती हूँ इसको। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने एक से दो बार अच्छे से पानी से धो लिया है। पानी से धोना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि दाल वगैरह में कई बार पॉलिश होता है या फिर डस्ट होती है, तो पानी से वो साफ़ हो जाता है। तो अब मैं इसको भिगाने के लिए लूँगी। एक कटोरी दाल में मैंने एक गिलास पानी लिया है। एक गिलास पानी इनफ है इसके लिए। अब इस दाल को ज़्यादा देर नहीं भिगोना है, बस 3 घंटा या मैक्सिमम 4 घंटे। रात भर कभी ना भिगाएं, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब आने लगता है। आप 2 से 3 4 घंटे में इसको रख के पीस सकते हैं। तो मैं अभी इसे रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, 2 से 3 घंटे सोक कर होने के लिए रख देती हूँ, और फिर उसके बाद हम इसे बनाएंगे। 2 घंटे बीत गए हैं, मैंने मूंग की दाल को सोक करने के लिए रखा था और ये अच्छे से फूल गए हैं। आप इसका अगर आप एक दाना ब्रेक करो तो ये 2 पार्ट में आराम से डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये दाना जो है अच्छे से फूल गया है। अब मुझे इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले मैं जो इसका एक्सेस पानी अभी बचा हुआ है उसको फेंक दूंगी और फिर मैं इसे ग्राइंड करूंगी। मैंने एक्सेस पानी इसका फेंक दिया है। अब मैं इसे मिक्सी जार में शिफ्ट करती हूँ। अगर आपने ज़्यादा दाल लिया है तो उसे 2 बार में आप पीस लें, और अगर आपने कम लिया है तो आप सिंगल बार में ही इसे पीस लें। दाल को शिफ्ट कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च। आप इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के डाल दें पीसते समय ही। अगर आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये छोटा अदरक का टुकड़ा है, इसे भी काट के डाल दें। डालें थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा 1 चम्मच बस, और कुछ हम नहीं डालेंगे। इसे पीसने के लिए हमें बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना है, हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस 4 से 5 चम्मच अंदाज से बस इतना ही पानी लगाएंगे। और मैं इसे अब आपको पीस के दिखाती हूँ कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए। मैंने पीस लिया है, देखो कैसी कंसिस्टेंसी है। बहुत ज़्यादा ये ड्राई भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसको मैंने बारीक भी नहीं करा, हमें ऐसे ही पीसना है। मैं इसे एक बड़े बर्तन में शिफ्ट करती हूँ। ये देखिए मैंने सारा अब इसे एक बोल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं इसको आगे बनाने की तरफ। हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी हम इसमें ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, बहुत थोड़ा सा यूज़ करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा हल्दी पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक, आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा लें, मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। फिर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया, आप मन चाहे तो डाल सकते हैं या फिर ना डालें, अगर डालेंगे तो टेस्ट इसका अच्छा आता है। और लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा। सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इसके अलावा हम और कोई चीज़ नहीं लेंगे इसको बनाने में। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी गाढ़ी मुझे लग रही है, तो मैं इस छोटी सी कटोरी से नाप के 1/2 कटोरी से भी कम पानी ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब देखिए इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल पतली भी नहीं है और ना बिल्कुल गाढ़ी है। हम इसे चीला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, तो मैं इसे रख के अब चलती हूँ चीला बनाने की तरफ। बनाना आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए चीला बनाने के लिए।
और अब हमने इसे अच्छे से फेंट भी लिया है। तो चलिए अब मैंने क्या करा है कि गैस पर एक नॉनस्टिक पैन या तवा, आपके पास जो भी है, जो भी लोहे का तवा है या कुछ कुछ भी है, आप उसे गैस पर रखिए। और अब मैं चलती हूँ बनाने की तरफ। ये हल्का तवा गर्म कर लें, ठंडे तवे पर ना बनाएं। और तवा मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक चम्मच के हिसाब से ऑयल डालूंगी और इसे फैला लूंगी। और आंच को अब थोड़ा धीमा कर दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हमें आंच पे नहीं बनाना है, मीडियम तो रखिए। और अब देखिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये घोल देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है जब भी आप चीला बनाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा लेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, और जो बहुत ज़्यादा आपको पतला भी नहीं लेना है। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा और डाल के। अब हल्के हाथों से इसे फैलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हो जाने दीजिए, तब तक हम साइड साइड में इसके ऑयल लगा देते हैं। जब ये थोड़ा सिक जाएगा फिर हम इसे फ्लिप करेंगे या उल्टेंगे। फ्रेंड्स, इसका आप कलर चेंज देखिए, इसका कलर जब हमने डाला था तो इस टाइप का था, अब थोड़ी ही देर में इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसे पलटेंगे, अब तो हम देखिए अपने आप इसने छोड़ भी दिया तवे को, तो हम हल्का से इसे पलटेंगे और हम दोनों तरफ से इसको अच्छे से हल्का सा ब्राउनिश कलर पे सेक लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। और दोनों साइड से पलट के इसे सेक लें। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और ये बहुत इजी भी है, आप ज़रूर ट्राई करें। आप जब भी बनाएं तो उसका कलर डिफरेंस देखिए। अब हमने जब पलटा था तो उसका कलर चेंज हो गया था, अब इसमें एक ब्राउनिश कलर की शाइन आ गई है। तो हम इसे पलटेंगे, देखिए दोनों साइड से ये ब्राउनिश कलर हो गया, यानी अब ये सिकने सिक गया है। थोड़ा सा अगर आप क्रिस्प करना चाहते हैं तो इसे और सेक लें। इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं होता, मुश्किल से एक या दो चम्मच तेल में ही बन के तैयार हो जाता है। मैं दोनों साइड से थोड़ा सा हल्का सा और इसे क्रिस्पी करके फिर निकालूंगी। ये देखिए इधर से तो हो गया अच्छा, तो मैं थोड़ा नीचे इसको करके सेक लेती हूँ। देखिए परफेक्ट हो गया है। अब मैं इसे आप जैसा शेप दें, अगर आप ऐसे मोड़ना चाहते तो ऐसे, और अगर आप ट्रिपल फोल्ड करके मोड़ना चाहें तो जैसे भी आप शेप दें वैसे मोड़ सकते हैं। वैसे मुझे बेटर ऐसा लगता है, तो मैं इसी शेप में इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट पर। अब मैं चलती हूँ दूसरा चीला बनाने की तरफ। तो अगेन मुझे एक चम्मच तेल लगाना है और तेल को तवे पे अच्छे से फैला लें। और अब हम इस मिश्रण को एक बार मिला लेंगे और फिर हम इसको डालेंगे तवे पर। जब एक बार आप पहला बना लेते हैं उसके बाद आपके जो चीले बनते हैं वो परफेक्ट शेप के बनते हैं। तो देखिए आप इसका कलर देखिए, कलर चेंज देखिए कैसा हो गया, जैसा हमने डाला था वो ऐसा था, अब पक्के हो गए। तो अब मैं इसके साइड्स में एक बूंद तेल डालूंगी एक चम्मच के करीब। और इसे धीरे से हम पलटने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये देखिए ये क्रिस्पी हो गया है क्योंकि तवा हमारा गर्म था। तो मैं वही कह रही थी, अगर आप पहला वाला चीला बना लेंगे उसके बाद से ऑटोमेटिक आपका परफेक्ट बनने लगेगा चीला, क्योंकि तवा हमारा गर्म हो जाता है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं सेकना, एक साइड से तो ये सुनहला हो गया है, दूसरी साइड से भी हमें इसे कर लेना है।
देखते हैं कैसा हुआ है पीछे से। ये देखिए इसमें भी ब्राउनिश आ गई है। 2 मिनट इसे पलट के सेक लेते हैं, फिर इसे भी निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स इसे भी हम फ्लिप करके देखते हैं, देखिए परफेक्ट हो गया है। तो चलिए अब इसे हम फोल्ड करते हैं और हम इस चिले को भी निकाल लेते हैं और बाकी सारे चिलों को भी मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने चिले बना लिए हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं और इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। और आप किसी भी सॉस के साथ खाएं, टमाटो केचप, हरी चटनी या फिर कोई भी चटनी लें, बहुत टेस्टी लगते हैं। इजी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी है। और अगर आपने मेरी रेसिपी को पसंद करा तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।